नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हर रोज मैथमेटिक्स का वीडियो मिलेगा जिसमें मैथमेटिक्स को हम बाई पोर्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू में मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैथ्स को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। तो मैथ्स को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक आपके रखेंगे अर्थमेटिक, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक में चलेगा आपके, अर्थमेटिक में आते हैं आपके जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, मतलब प्रतिशत। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, बोले तो लाभ एंड हानि, ठीक है ना। उसके बाद SI, CI वगैरह, ये टॉपिक इस साइड रहेंगे। टाइम डिस्टेंस, स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारी की सारी इस तरफ रहेगी चीजें। और एक पार्ट चलेगा अपना एडवांस मैथमेटिक्स का। किसका? एडवांस मैथ्स का। तो इसमें आपके ज्योमेट्री रिलेटेड जो चीजें हैं, गणगणा, क्यूब वगैरह, वो सब ले लेंगे। तो आज अपन अर्थमेटिक से अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। मेरा पूरा दिमाग में स्ट्रक्चर बना हुआ कि आप किस प्रकार से क्या पोर्शन करवाना है, ठीक है। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और एक चीज और बता दें कि हम इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे और उस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक नाम से आपको क्लास मिलेगी। क्लास को अभी हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, आपकी यदि डिमांड रही तो हम इसको लाइव भी कर पाएंगे, ठीक है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी इच्छा पर है, आप देख लेना, रिकॉर्डेड बेस्ट लगे, लाइव बेस्ट लगे। लाइव में क्या होता है, बीच में कोई कमेंट करे, देखें उसका कमेंट, तो आप भी डिस्टर्ब होते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब अपन आते हैं सीधे मुद्दे पर। अब अपन क्या पढ़ेंगे आज? अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक का जो ये टॉपिक है वो हम बेस लेवल से उठाएंगे, एकदम बॉटम लेवल से उठाएंगे और इसके आगे 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 बढ़ते रहेंगे। जिन विद्यार्थियों का मैथ्स एकदम जीरो है वो भी हमारी इस क्लास से सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स को आप आसान समझें और आसानी से सीखें और उस पर अपनी एक बढ़िया पकड़ बनाएं, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज अपन अंक गणित से शुरुआत करते हैं और अंक गणित में रहेगा प्रतिशत। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि यदि आप चाहते हो कि वीडियो अपलोड होते ही आपको लिंक मिले, ठीक है, नोटिफिकेशन तो YouTube की तरफ से आएगा, इसके लिए आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना ताकि हम आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको पर्सनल मैसेज के रूप में लिंक मिले। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज अर्थमेटिक से, अपनी शुरुआत करते हैं। तो अर्थमेटिक रहेगा आज का अपना जो टॉपिक है वो, अर्थमेटिक से शुरू करते हैं। और अर्थमेटिक में अपन लेंगे, एक सेकंड, नई स्लाइड ले लेते हैं, ये लो नई स्लाइड है आपके आज। और आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत माने परसेंटेज। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। परसेंटेज है तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है आपके, परसेंटेज, प्रति और उसके बाद में सत। प्रति का मतलब प्रत्येक, सत बोले तो सो, मतलब प्रत्येक सो पर जो मान होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत, प्रत्येक सो पर जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं प्रतिशत। तो देखिए इसमें अपन, मैं हर चीज इसमें सो मानकर करूंगा। कई लोग एक्स मानकर करते हैं, कई सो मानकर करते हैं, कई रेशियो से करते हैं, सबका मतलब अपना अपना मानने का तरीका है, कोई किस प्रकार से करे, कोई किस प्रकार से करे। मैं हर चीज सो मानूंगा, सो मान के अपना काम करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसमें मैं पहले शुरू शुरू में आसान आसान स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसकी थोड़ी लैंग्वेज से आपको परिचित करवा दूं, जैसे छोटी छोटी लेवल की चीजें, जैसे 5% लिखा हुआ है तो प्रतिशत हटाते ही बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, बट्टे में 100। 20% है तो प्रतिशत हटाते ही बीच में क्या आ जाता है, सॉरी बट्टा में क्या आ जाता है, 100, ठीक है। और भी जो बहुत ही जीरो से सीख रहे मैथमेटिक्स उनको बता दूं कि ये जैसे भिन्न होती है, इसमें ये आपके हर होता है और ये आपके क्या होता है, अंश होता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में, अभी अपन लेवल पर आ जाएंगे, जो आपका लेवल है उसको अभी अपन टच करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट आगे का पोर्शन। अब देखो जैसे ये प्रतिशत वाला हो गया, प्रति सौ वाला मैंने बता दिया। मैथ्स में आपको जहां कहीं पर भी का लिखा हुआ मिले, जैसे मैं बोलूं ए का 20%, ए का 20%, तो इस का मतलब है गुणा। का मतलब क्या है, गुणा, मतलब ए का 20%, ठीक है। तो ऐसे का मतलब गुणा होता है। और इंग्लिश में इस का की जगह आपको ऑफ शब्द का भी प्रयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। 20% ऑफ ए, इसका मतलब ए का 20%, और का मतलब क्या होता है, गुणा।
आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। कोई शिकायत, कोई डाउट, कुछ भी हो तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर से जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना वगैरह वगैरह। अब देखो, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ मिले आपको कि ए का 20% 400 है, तो बताइए ए का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ए का 20% 400 है, कितना है 400 है, तो ए इंटू प्रतिशत हटा तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100, और बराबर कितना हो गया आपका 400 हो गए, ठीक है। अच्छा उस साइड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सॉरी मैं भी जाऊंगा, मैं इस तरफ लिखता हूं। जैसे ऐसा लिखा हुआ मिले ए का 20% 400 है, तो ए का मान बताना आपको, ठीक है ना। सबसे बिल्कुल बॉटम लेवल से चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो ए का मतलब क्या होता है, गुणा ए का 20% है वो कितना है 400 है, ए का 20% 400 है। तो देखो 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार 5 बार चला गया, और ये 5 इस तरफ चला जाएगा मल्टीपल में, तो ए बराबर हो जाएगा 400 × 5, तो ये कितना हो गया, ए बराबर आ गया आपका 2000। तो ए का मान कितना आ गया 2000। ये भी एकदम बॉटम लेवल है। पहली बात मैं बता दूं, प्रतिशत में आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, पहले एक टाइप, उसके बाद ओ टाइप, ऐसे टाइप बढ़ेंगे, और 10 से लेकर 15 के बीच टाइप करवाऊंगा। 15 टाइप के अंदर आपका प्रतिशत टॉपिक है, उसको जितने भी आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस के माध्यम से और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले मैं थोड़ी बेसिक जो भाषा है उससे परिचित करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक। तो अपन लिखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे टाइप नंबर 1 ले लेते हैं, टाइप नंबर 1, और भी जो चीजें होगी वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स की छोटी छोटी चीजें आपको बताता रहूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन पहले आपको कैसा लगता है आप क्वेश्चन बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, एक वस्तु की कीमत शुरुआत में चलिए ये थोड़ा लेवल ज्यादा रह जाएगा, इससे भी लो लेवल का क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। टाइप नंबर 1 है, पहली टाइप का क्वेश्चन है आपका, पहली टाइप के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन लिखो आप, एकदम बॉटम लेवल रखो, ठीक है ना। तो देखो, ए का 20% 2000 है, तो ए का 40% कितना होगा, तो ए का 40% कितना होगा, ठीक है। 40% सॉरी मैं वहां से मिटा देता हूं, ए का 40% कितना होगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखना, इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसके आंसर निकालते हैं। देखो ए का 20% मतलब ए इंटू 20/100, और ये कितना है 2000 है, तो पहले ए का मान निकालो। देखो 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार गया 5 बार गया, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया, ए बराबर 2000, इस तरफ जो भाग में होता है वो उस तरफ जाता है, तो किस में हो जाता है, गुणा में, तो गुणा 5, तो ए बराबर कितना गया 10000। तो सबसे पहले तो ए का मान निकालना है, ए बराबर दस हजार है। अब ये कह रहा है कि ए का 40% निकालो, ए का कितना प्रतिशत निकालो 40। तो अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, ए का 40% अपने को याद करना है, तो अब ए का मान रख दो यहां पर, ए का मान कितना है 10000, तो 10000 × 40/100, तो देखो 10 से 10, इस 10 से ये 10, तो कितना आया, ये आ गया आपके 4000, तो 4000 आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ये एकदम बॉटम लेवल क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन टाइप है जो उसको इंक्रीज करेंगे। अब कई लोगों को जिन्होंने मैथ्स पहले पढ़ रखा है, एक दो जगह कोचिंग कर ली, एक दो एग्जाम दे दी, तो उनको लगेगा कि यार एकदम ईजी, तो ये उनके लिए है जो एकदम वेरी फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना। तो उनके लिए नेक्स्ट
ये मैं आपके जो ये स्लाइड है इस स्लाइड को सेव करते हुए चलता हूँ, ये स्लाइड है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो एक सेकेंड ये अगला टाइप नंबर वन का ही एक क्वेश्चन, ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं टाइप नंबर वन, और टाइप नंबर वन का क्वेश्चन नंबर अपन दो करते हैं, एक एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो अब अपन थोड़ा सा इसमें वेराइटी डालते हैं, ठीक है ना। तो देखो ए का आधा 2500 है, ए का आधा 2500 है, तो ए का 60% कितना होगा। तो ए का एक सेकेंड, तो ए का 60% कितना होगा, ठीक है विद्यार्थी, ए का 60% कितना। आप देखो क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, मैं इसको आपको सरल से जटिल के क्रम में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पहले एकदम इजी बॉटम, जैसे का मतलब गुणा बहुत छोटा, ठीक है ना, ए का आधा, अरे ए इंटू एक बटा दो ही तो करना है, लेकिन बहुत छोटे से चलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एकदम टॉप लेवल टच कराएंगे क्वेश्चन का, तो आप हमारे साथ निरंतर बने रहना और क्वेश्चन को सोल्व करते रहना, ठीक है ना। जब मैं बोल दूं ना कि मैंने मेरी 15 टाइप 14 टाइप जितनी भी है मेरी तरफ से परसेंटेज कंप्लीट है, उसके बाद आपके पास जो भी बुक है उसको उठाना, क्वेश्चंस को सोल्व करना, ठीक है, और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो वो मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है, हम आपको सोल्व करके सेंड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए ए का आधा मतलब ए इंटू एक बटा दो, ए का जो आधा है वो 2500 है, मतलब बराबर 2500 गए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2500 इंटू दो माने कितना हो गया, ए बराबर हो गया आपका 5000। अब इसने क्या पूछा है, तो ए का 60% कितना होगा, तो ए का 60% मतलब ए इंटू 60%, ये आपको क्या करना है, याद करना है। तो आपके देखो ए कितना है 5000 इंटू 60% का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100, तो एक जीरो से एक जीरो, ये दो जीरो कैंसिल है ना, ये दो कैंसिल, ठीक है, 500 इंटू 6 कितना हो गया आपके 3000, तो 3000 आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, अब अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे। ये जो स्लाइड है वो सेव है एच डीज, ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। अगला टाइप नंबर वन पर एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा, पहले तो कोशिश थी, मैंने कहा दो दो ही लेंगे, ले लेते हैं तीसरा ले लेते हैं। अब देखो अब थोड़ा अलग टाइप का अपन क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए बराबर 10000 है, यदि ए बराबर 10000 है तो ए के आधे, ए के आधे का चार गुणा, ए के आधे का चार गुणा, आगे ना चार गुणा तक आ रहा है, ए के आधे का चार गुणा का 60% का, एक मिनट इतने लेते हैं, का 60% कितना होगा। अब देखो मैथ्स में क्वेश्चन ज्यादा जटिल नहीं होता, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको इतना घुमा दिया जाता है कि वो आपको जटिल प्रतीत होता है, ठीक है, लेकिन अपने को तो कंसेप्ट पर टिके रहना चाहिए क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये कलर ठीक ही है वैसे, बढ़िया कलर है। देखो यदि ए बराबर 10000 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ए बराबर 10000 है, ये भी बोल रहा है, हमने भी मान लिया कि ए बराबर 10000 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। ए के आधे मतलब ए का आपको लेना है आधा, ए का आधा, का मतलब गुणा, ए के आधे का, ए का जो ये आधा था इसका भी का कितना गुणा, चार गुणा, ए के आधे का चार गुणा का, फिर का, तो का मतलब गुणा का 60%, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, सीधी सी बात। तो रखो ए का मान कितना है, 10000 इंटू एक बटा दो इंटू चार इंटू 60 और बट्टे में आपका क्या है 100,
एक जीरो से एक जीरो और इस एक जीरो से ये एक जीरो, और ये कितनी बार गया, चार से दो बार, तो कितना हो गया यहाँ पर क्या बचा, 1000 × 2 = 2000 × 6 कितना हो गया आपका 12000, तो ये आपका क्या गया 12000। आई बात समझ में, एकदम इजी। तो ये अभी मैंने जो क्वेश्चन लिए वो मैंने कोशिश रखी कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो कि जिनमें थोड़ी ऐसे लगे लैंग्वेज, अभी देखते ही कोई एकदम फ्रेश बंदा देखे ना तो उसको लग सकता है कि भाई ये कैसी भाषा है, ठीक है ना। तो इस भाषा से मैं आपको क्या परिचित करवा दूं कि ये इसकी भाषा होती है अर्थमेटिक की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा मैं आपको और बताता हूं। जैसे कोई बोले कि ए का 200%, तो कई कई लोगों के रहता है कि भाई 200% कितना होता है, तो ए का 200%, तो देखो ए का मतलब गुणा 200%, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 है, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 2 × a। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब 200% का बोले तो इसका मतलब क्या है, दोगुना, 200% का मतलब दोगुना। कोई बोले कि a का 700% मतलब a का 7 गुना, तो ये चीज है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों के बारे में विचार करते हैं। तो ऐसा मैं लिख देता हूं, थोड़ा पीडीएफ में एक दो चीज और लिख दू, जैसे कि a का 750%, तो इसका मतलब क्या है, a इंटू 750 और बट्टे में 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये क्या आया a इंटू 7.5, मतलब a का 7.5 गुना। तो ये चीज भी अपन पीडीएफ में सेव रख लेते हैं, कोई बात नहीं, अपने पास खूब स्टोरेज है। नेक्स्ट, अब टाइप नंबर दो पर आ जाते हैं। टाइप नंबर एक आज यहां पर कंप्लीट है, अब अपन चलेंगे टाइप नंबर दो पर, ठीक है। बढ़िया, बराबर मात्रा में समझ में आया ना थाना, आ नहीं है हमारे साथ यूं हाँ में हाँ मिलाता रहो कि भाई आ रही है आ रही है आ रही है, तो अपन कोई ने भी इम्प्रेस कौन करना कि देख मन आ रही है, थन को ना आवे या मन आवे, ठीक है ना, थाने बढ़िया तरीके सीखना है। चको जे थान समझ में नहीं आवे तो थे तुरंत कह देना कि भाई नहीं आ रही है, ठीक है, सीधी सी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और थान का जितना भी सुझाव है वे को भी स्वागत है, ठीक है। थान लागे यहाँ कि भाई इम आ चीज है इरी संभावना है, थे थोड़ा यहाँ कर दियो यहाँ कर दियो, तो अपन इमाने परिवर्तन भी कर सका पैटर्न में, है ना। हालांकि कई जगह पर मेरा इस प्रकार से पढ़ाई हुआ है, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से इस वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं मेरा जितना भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि ये आपके बिल्कुल खोपड़ी में सेट होगा, बराबर मात्रा में यहां का यहीं में सेट कर दूंगा। आप तो बस इस पर जितने भी ज्यादा हो सके क्वेश्चंस निकालना, ठीक है। पहले ये नहीं कि दो टाइप देखी कि सर माके तो वो हो ही कोनी, माके बुक में वो दियो है वो ईमान है ही नहीं, तो पहले पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है ना, टॉपिक कंप्लीट हो। जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए रहो। यदि आप इन वीडियो को मतलब बाद में देख रहे हो, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब कभी भी देख रहे हो, पहले सारे के सारे वीडियो को देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आराम के साथ देखो तसल्ली से, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी, नेक्स्ट टाइप नंबर दो। टाइप नंबर दो क्या कहती है, टाइप नंबर दो का अपन पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। टाइप नंबर दो का क्वेश्चन नंबर एक कहता है अपने को, जैसे कि टाइप नंबर दो का क्वेश्चन नंबर एक, देखो किसी वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की कमी होती है, 20% की कमी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, कमी होती है प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद वस्तु अपनी मूल कीमत का कितना हो जाएगी, तो वस्तु अपनी मूल कीमत का कितना हो जाएगी, ये कीमत इसमें ऐसे कर लेना मात्र है ना, कीमत का कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे आप करोगे क्वेश्चन को, मैं यहां पर करता हूं इसका आंसर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, मैं जब भी कमी या वृद्धि की बात करूं, ठीक है ना,
तो इससे पहले मैं एक नई स्लाइड लेके बाद में अपन इस क्वेश्चन पर आएंगे, अपन आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे मैं बोलूं किसी वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 20% बढ़ती है, जैसे मैं बात करूं 20% इंक्रीज बढ़ती है, तो आपको क्या मानना है 120। मैं बोलूं 20% वस्तु की कीमत घटती है तो आपको क्या मानना है 80। ठीक है, मैं बोलूं 15% कीमत बढ़ती है तो आपको क्या मानना है 115। ठीक है, तो ये फंडा है। अब ये फंडा यहां पर कैसे काम करता है वो देखिए। जैसे मैं बोलूं किसी वस्तु की कीमत प्रथम वर्ष 20% बढ़ी, उसके बाद अगले वर्ष 20% कम हो गई, मतलब 80। तो बताइए उस वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर संख्याएं देखनी है कितनी बार है, तो ऊपर संख्याएं हैं आपकी 2 बार, तो नीचे बट्टा में 100 आएगा, और वो 100 कितनी बार आएगा, ऊपर जितनी बार संख्या है उससे 1 कम बार, तो ऊपर संख्या कितनी है 2, तो नीचे 100 कितनी बार आएगा 1 बार, तो नीचे आपको क्या लगाना है 100। तो 1 0 से ये कैंसिल, 1 0 से दोनों 0 से दोनों कैंसिल हो गए, उत्तर कितना आया 96। तो अब देखना है 96 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है, तो 96 100 से 4 कम है, कितना कम है 4 कम है 100 से, तो 4% की उस वस्तु में क्या हुई है कमी हुई, उस वस्तु के मूल्य में 4% की क्या हो चुकी है कमी हो चुकी है। और देखते हैं आगे, ये तो एक हो गया आपका, एक और देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में शुरुआत में 10% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष फिर 10% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष फिर 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए अब उसकी वस्तु की कीमत में क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे, ऊपर जितनी बार संख्या है उससे 1 कम बार नीचे क्या आएगा 100, तो ऊपर संख्याएं कितनी, तो ऊपर संख्याएं हैं आपकी 1 2 3, तो इससे 1 कम बार मतलब 2 बार नीचे क्या आएगा 100, तो 2 बार नीचे क्या आएगा 100, तो 100 और 100, तो 3 0 से आपकी क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो गए। तो अब देखो ऊपर क्या बचा, 11 × 11 × 11 होता है आपका 1331, और नीचे बट्टे में क्या है 10। ठीक है, तो बट्टे में 10 है, तो 10 से कितना हो जाएगा 133.1, वापस चेक कर सकते हो, पॉइंट हटाते ही नीचे एक बार क्या जाएगा 10 133.1। तो आपको चेक करना है कि ये 100 से कम है या ज्यादा है, कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है 33.1 ज्यादा है, तो 33.1% की उस वस्तु की कीमत में क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, ये चीज है। और देखते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं, जैसे पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा बहुत। देखिए विद्यार्थियों और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन अपने पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार अपन एक क्वेश्चन छोड़ा था पीछे, ये रहा, एक वस्तु किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद, तो प्रतिवर्ष कमी हो रही, एक सेकेंड, ये ऐसे कैसे हो गया, डाट में ये एक बार रीस्टार्ट हो रहा है, कोई तकनीकी खराबी हो गई इस वजह से ये ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, अभी एकदम हो जाएगा, वैसे होना तो नहीं चाहिए, किस वजह से ये बंद हुआ है एक बार मुझे चेक करना होगा, 1 मिनट, रीस्टार्ट हो रहा है, थोड़ा धैर्य बना करके तब तक मैं आपको बातें बताता हूँ। जैसे ये टाइप नंबर आपका कितना था, ये टाइप नंबर दूसरा है, ठीक है ना, इस दूसरे टाइप में अपन अभी क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन को अपन चेक करेंगे। डिवाइस इज स्टार्टिंग, ओके डिवाइस हो रहा है, ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2, इस प्रकार से अपन टाइप टू टाइप चलेंगे, ठीक है, ताकि आपके आगे से आगे ऐसे चेन बनती रहे, आप एक टाइप से दूसरे टाइप पर जंप करने के लिए आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन फेंकूंगा जिससे क्या हो कि आप उससे आगे वाले टाइप पर जंप करें और आपको पता ही नहीं लगे कि कब अपन अपना लेवल इतना इंक्रीज हो गया। ओके, नोट, एक सेकेंड को, नोट ओपन हो रहा है, लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल, यस, चलिए एक सेकंड को, अपन ने जो फाइल सेव नहीं की थी ना वो लोडिंग हो रही है वापस, चलिए ओके। सबसे पहले अपन यहाँ थे, उसके बाद अपन यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे,
और काम थे। चलिए लड़ लो इस पर आते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो तो बोल देना, अपन आपको शायरी सुना देंगे एक बढ़िया सी, ठीक है ना? तो बड़ी ही सातिर निगाहों से आपको पढ़ना है एकदम ऐसे, ठीक है ना? ये नहीं कि बस पढ़े हो और बिस्तरों में देख रहे हो वीडियो को, रात ही नींद आ रही है कि नहीं? उसकी निगाहों के तीर इतने सातिर थे पता ही नहीं चलता कि किसके खातिर थे। देखिए, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष, एक मिनट कलर अच्छा नहीं लगा भाई, पसंद नहीं आया हमको। किसी वस्तु की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है ये लो। अब देखो, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की क्या होती है, कमी होती है। मतलब पहले वर्ष के अंत में 80, 20% की कमी, अगले वर्ष और कितनी कमी, 20 की कमी, अगले वर्ष और कितनी कमी के 20 की कमी। क्यों? 3 साल तक होता ना, 30, तीसरे वर्ष के बाद में अपने को उसकी मूल कीमत का कितना हो जाएगा ये बताना है। तो ऊपर संख्या है 3 बार है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा लाडलो, 2 बार आएगा, 1, 2, 3, 3 जीरो से आपको 3 जीरो कैंसिल आउट करना है, ठीक है? अब देखो कैलकुलेशन करो, 2 से कितनी बार गया, 2 से ये गया आपका 4 बार, और ये 2 से कितनी बार गया, 5 बार। तो अब आप ऊपर ऊपर कर लो, 8 चौके 32, और 32 और 8 कितने होंगे, 32 × 8, नॉर्मली कैलकुलेट कर लो, 32 × 8 = 24, 240, और 2 का और कर लो 16, 256, 256/5। तो इसका आप आगे कैलकुलेशन करके देख लेना कितनी बार जा रहा है, 5 आगे 1 वगैरह आगे आप और देख लेना कितनी बार होगा, ठीक है ना? तो आगे आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये मूल, जो मूल था आपकी मूल कीमत की कितना प्रतिशत रह जाएगी, ये इतने प्रतिशत रह जाएगी, ठीक है ना विद्यार्थी? तो इस प्रकार से है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, अगला और आगे, ओके यहां पर आते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं और, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मैं बोलूं कि किसी वस्तु की कीमत शुरुआत में 12,000 रुपए थी, ठीक है? क्वेश्चन लिख ही देता हूं अच्छे से, ठीक है? चलो, किसी वस्तु की देखो, हालांकि मैं करने को क्वेश्चन काट काट के और यहां पर पीपीटी के रूप में भी लिख देता, ठीक, फिर क्या वो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो फिर अपन उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, अपना जो चैप्टर क्लोज करके, क्लास क्लोज करके चले जाते हैं। मैं तो चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ कंपटीशन में, चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ, इसी लहजे में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? तो इससे क्या, जैसे मुझे लगा कि मैंने ये पढ़ाया और ये इतना सा समझ में आया इनको, तो फिर मैं उसके आधार पर दूसरा क्वेश्चन तुरंत रेडी करके फेंक देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा, मतलब कि मैंने ये पाया कि इसका ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है ना? आपके दिमाग में ज़्यादा ठोस प्रतिबिंब बनाने में ये कारगर सिद्ध होगा, मेरा जो ये फॉर्मूला, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? देखो, किसी वस्तु की शुरुआत में कीमत 12,000 रुपए थी। शुरुआत में कितनी थी, 12,000 रुपए। उसके बाद प्रतिवर्ष कीमत 10% बढ़ जाती है, तो दो वर्ष बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है, कीमत कितनी होगी, ठीक है लाडो? 2 वर्ष बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी, ये चीज आपको बतानी है। तो देखो, बहुत ही ज्यादा आसान है ये, ठीक है ना? एक चीज मैं आपको बता दूं, परसेंटेज की दुनिया में जब तक मैं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, शुरुआत में किसी भी चीज की कीमत 100 मानना, क्या मानना, 100 मानना, ये चीज दिमाग में सेट कर लो, शुरुआत में किसी भी वस्तु की कीमत को 100 माना जाएगा। आगे प्रॉफिट लॉस करेंगे इसके बाद, परसेंटेज के बाद, उसमें भी सीपी अर्थात क्रय मूल्य हमेशा 100 मान। मैं हर चीज 100 मान के करता हूँ और बहुत ही ईजी होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से होती है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मतलब पहली बार सिखा रहे, तो हम फटाफट ऐसे
अड़क सड़क नहीं निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप निकालोगे बहुत जल्द, बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक है। तो अब देखिए शुरुआत में कीमत कितनी मान के चलनी है, 100 मान के चलनी है, ठीक है। एक दो चीज और बताता हूं मैं आपको, हमेशा ही जो ज्ञात करना हो उसको गुणा में लिखा जाता है, ज्ञात करना गुणा में, ज्ञात करना गुणा में, ज्ञात करना गुणा में, सेट रखना दिमाग में। अभी देखना कैसे सॉल्व होता है। देखो किसी वस्तु की कीमत शुरुआत में कीमत 12,000, उसके बाद प्रतिवर्ष कीमत 10% बढ़ जाती है। तो देखो पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 10%, अगले वर्ष और कितनी बढ़ती है, 10% ऊपर। अब देखो तो दो वर्ष बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी, अभी बताते हैं कितनी होगी। देखो ऊपर संख्याएं दो बार आई तो नीचे 100 कितनी बार आएगा, इससे एक कम बार, मतलब एक बार, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो आपके क्या आया 121, कितना है 121। अब मैं लाड लो बता दूं ये क्या है, ये वस्तु की वर्तमान में कीमत है। ये जो यहां पर रिजल्ट आता ना ये वर्तमान में था, तो मैं थोड़ा सा आपको कष्ट दूंगा, ये वर्तमान में कीमत है, वर्तमान में, ठीक है। और शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में हमेशा 100 मान के चलना है, शुरुआत में 100, शुरुआत, शुरुआत में कितना है 100, शुरुआत में कितना है 100। बढ़ी कितनी है शुरुआत से वर्तमान तक, कितनी बढ़ गई, तो सर 21 बढ़ गई, कोई बात नहीं, वेरी गुड। पर्सन में जो दिया है, भगवान की दया से जो दिया होता है उसको ऊपर रखा जाता है कि या खुदा तूने ये दिया है कि नहीं, खुदा तेरा लाख शुक्र है, तूने इतना दिया है जितना कईयों को नसीब नहीं होता है, ठीक है। तो बस दिया है, तो ईश्वर ने हमको क्या दिया है, ईश्वर ने हमको दिया है कि बेटा तेरी शुरुआत में कीमत कितनी है 12,000, तो हमने भी बट्टा का चिन्ह लगा के भगवान को रखा ऊपर के, हे मालिक तूने ये दिया है तो चल हम इसको ऊपर रखते हैं, ये मालिक ने दिया है, अब मैं जो दूंगा वो तो आप नीचे रखोगे ना भाई, मालिक का ऊपर रखो तो मैं दे सकूं नीचे। तो जो ईश्वर की दया से पर्सन में दिया है 12,000, शुरुआत में 12,000, अपने शुरुआत में कितना, अपने शुरुआत में 100, तो इसकी टक्कर में जो हो वो यहां पर लिखेंगे, यहां पर शुरुआत में कीमत तो अपनी शुरुआत में कीमत, इसकी टक्कर में जो होगा उसको यहां पर नीचे रखा जाएगा। जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है जिसको, वो ऑलवेज कहां रखा जाता है, वो ऑलवेज गुणा में रखा जाता है, कि सा क्या ज्ञात करना है, कि सा दो वर्ष बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी, ठीक है। दो वर्ष बाद मतलब ये तो ये वर्तमान है, मतलब अब अपन दो वर्ष बाद आ गए हैं, ठीक है ना, एक तरीके से दो वर्ष बाद की कीमत है ये, दो वर्ष बाद वस्तु की कीमत कितनी होगी, के साथ दो वर्ष बाद तो वस्तु की कीमत होगी 121, तो गुणा करो 121, दो जीरो से दो जीरो काटो, ठीक है, 120 इंटू 121, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करते ही, ठीक है। अब जैसे आपसे पर्सन थोड़ा चेंज कर दे, बोले कि शुरुआत में कीमत 12,000, अपने शुरुआत में कीमत कितनी 100, बोले वस्तु की कीमत दो वर्ष बाद अब कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, कि साहब 21 बढ़ गई है, तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में, बोला कितनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, 21 बढ़ गई है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ठीक है, 12 इंटू 21 आप कर लेना, देख लेना, तो ये आपका देखो एक जीरो यहां पर हो रहा है, तो 120 इंटू 21 और आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा ऐसा एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे टाइप नंबर 2 का ही है, आप क्वेश्चन नंबर देखते रहना आप कितने नंबर क्वेश्चन है वगैरह वगैरह, मैं इन चीजों पर इतना कोई खास ध्यान नहीं देता कितने नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा ध्यान रहता है कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। जैसे शुरुआत, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, पहले पूरी भाषा लिख दी, थोड़ा शॉर्ट, शुरुआत में कीमत तो इतना ही लिखूंगा, शुरुआत, शुरुआत में कीमत 13,000, कितनी है 13,000 है, ठीक है। अब बोलते हैं कि पहले प्रथम वर्ष कीमत 20% बढ़ती है, प्रथम वर्ष कीमत कितनी बढ़ी 20% बढ़ी, मैं पर्सन लिख रहा हूं शॉर्ट में, दूसरे वर्ष कीमत घटी, दूसरे वर्ष कीमत घटी, कितनी घटी, क्या बोले साहब कीमत घट गई हमारे 20%, कितनी घट गई 20% घट गई। तो अब वस्तु की कीमत क्या है, तो अपने को ज्ञात क्या करना है कि तो अब वस्तु की कीमत, तो अब वस्तु की कीमत क्या है, ये हमको ज्ञात करना है, क्या कीमत है, देख वो दीजिए, प्रथम वर्ष कितनी बढ़ी के 20% बढ़ी 120, दूसरे वर्ष कितनी घटी के 20% घटी तो 80,
तो ऊपर संख्याएं दो बार है तो नीचे 100 कितनी बार आएगा के साथ 100 तो एक बार आएगा, तो 2 0 से 2 0 12 8 96। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। जो दिया है, जो ईश्वर की दया से दिया है, मालिक ने आपको दिया है अल्लाह की कृपा से, ठीक है, रहम और कर्म से आपको जो प्राप्त हुआ है वो ऊपर, तो कितना दिया है कि 13,000 दिया है, ठीक है, 13,000 दिया है। 13,000 क्या है कि 13,000 तो शुरुआत में कीमत है। आप अपने शुरुआत में कीमत कितनी है, अपने तो शुरुआत में 100 लेके चलते हैं भाई लाडो, सीधी सी बात है, हर चीज 100 लेके हम अपना काम शुरू करते हैं, तो शुरुआत में 100, तो जो इसकी टक्कर में हो वो इसके नीचे, तो पर्सन में क्या है, पर्सन में 13,000 दिया है शुरुआत में कीमत, तो इस शुरुआत की टक्कर में हमारी शुरुआत क्या है, हमारी शुरुआत 100 है। अब बोला जा रहा है तो बताइए, तो बताइए अब वस्तु की कीमत कितनी है, अब वस्तु की कीमत कितनी है 96, तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में, तो इधर क्या जाएगा 96, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 130 × 96 आपका फाइनल आंसर। अब आगे पूछे, जैसे मान लो और पूछ ले कि अब वस्तु की कीमत कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, तो कितनी कम हुई लाडो के साथ 4 कम हो गई, कितनी कम हो गई, 4 कम हो गई। तो देखो पर्सन में जो दिया है वो सबसे ऊपर आएगा, तो 13,000 दिया है, इस 13,000 वाले शुरुआत की टक्कर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास 100 है, तो ये लो हमारी शुरुआत 100 से। बोले कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, आंखों में नमी हुई है, कितनी हुई है, 4 हुई है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 130 × 4 53 520, तो कमी कितनी हो गई 520। कंसेप्ट समझे ना दो, कंसेप्ट कहता है कि जो ज्ञात करना है वो गुणा में, जो दिया है वो जो पर्सन में दिया है वो बट्टा के ऊपर, उसकी जो टक्कर में है वो नीचे, और जो ज्ञात करना है वो गुणा में, इस प्रकार से, ठीक है विद्यार्थी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद सेशन को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट ये देखो 11 पेज का ये जो पीपीटी स्लाइड है, जो कि आप देखो ये देख रहे हो, ये स्लाइड बनी हुई है पूरी पूरी, तो ये स्लाइड है वो हम आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे, और इस स्लाइड को परचेज करने के लिए मतलब परचेज तो क्या करनी है, ये फ्री में निशुल्क है, तो इस इसको यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उन नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कोई कम लोग जानते हैं कि भी पता ही नहीं सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कई नहीं जानते, मेरे जैसे हैं थोड़े टेक्निकली वीक लोग हैं उनको नहीं पता होता है, तो इन नंबरों पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, आपको पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन में होमवर्क के रूप में देता हूं, आज अपन ने 2 टाइप किए, ठीक है ना, तो होमवर्क में क्वेश्चन है कि एक वस्तु की शुरुआत में कीमत कितनी थी 50,000, शुरुआत में कीमत 50,000 थी, प्रथम वर्ष पहली साल नया साल प्रथम वर्ष वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि हुई, सेकेंड ईयर में दूसरे वर्ष 20% और वृद्धि हुई, ठीक है, और तृतीय वर्ष तीसरे साल 40% की कमी हुई, तो बताओ अब वस्तु की कीमत कितनी है, ये आपको बताना है, अब वस्तु की कीमत कितनी है लाडलो, इसके बारे में आपको हमें बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन बढ़िया रहा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, आप लोग कहेंगे तो इसको लाइव भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, लगे मैथमेटिक्स रिलेटेड सर किसी बुक ले रवा, किसी नहीं ले रवा, किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, वो किताब बढ़त्याम काम आई, तो नंबर ऊपर दिया है, ठीक है ना, ए नंबर पर थाने ताको नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख कर का करना है सेंड करना, ठीक है, तो मिला अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।